Vlog. Hi guys. तो ये मैं यहाँ पुल में थोड़ा रुका हुआ हूँ. थोड़ी देर बाद मैं चर्च में जाऊँगा, जो कि आज आपको दिखाऊँगा यहाँ पे जो लोकल चर्च है वो कैसा दिखता है. तो ये थोड़ा इस रास्ते में थोड़ा सा सामने है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको. ये जो पुल है वो मेरे जन्म के काफ़ी पहले बना है, आजकल भी काफ़ी नया दिखता है. और ये इसका नदी जो दिन ब दिन सूख रहा है, छोटा होता जा रहा है. ये रहा एक वाइड एंगल व्यू इस पुल का, काफ़ी सुंदर सा जगह है. चर्च में जाने के पहले मैं यहाँ पे थोड़ा रुकूँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी है. और ये मेरा सेकंड पुल है, तो पुल होने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे एक कॉर्नर होता है साइड में, जहाँ पे काफ़ी शेड होता है. तो आप ऐसे जगह में थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ. नज़ारा दिखा देता हूँ यहाँ का. वैसे बांस के पेड़ देखने में सुंदर लगते हैं, पर जब बारिश वगैरह तूफान आता है तब ये बांस इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर गिर जाते हैं और काफ़ी दिन तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता. और ये मैं चला, काफ़ी डर लग रहा है मुझे. वैसे ऐसा लग रहा है गिर जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत डरपोक नहीं पता नहीं हूँ, शायद नहीं गिरूँगा. और हाँ, कोई देख लेगा तो ज़रूर धक्का देगा मुझे. आओ. तो काफ़ी मेहनत मुशक्कत के बाद हम यहाँ पहुँच चुके हैं. और वो रहा चर्च, आप देख ही रहे होंगे, ये अंडर कंस्ट्रक्शन में है, कुछ महीनों के बाद ठीक हो जाएगा. और ये रहा कुछ भी नहीं. ये हरियाली और नज़ारे काफ़ी मन मोहित कर देने वाले हैं, पर कोरोना का समय है तो मुझे भी घर जाना पड़ेगा. बाय बाय.